सारे वृंदावन अगर वहां पे हो ही जाएंगे तो कौन सा आसमान फट जाएगा हमको ये बताइए, क्योंकि पहले से तो एक महादेव है और तब आसमान नहीं फट रहा है तो इफार रूप में महादेव होने से आसमान फटने वाला कैसे फट जाएगा। एक महादेव तो पहले से है और तब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक शिव तो पहले से है तब कोई संवर्धन उन्नति और उन्नयन नहीं हो रहा है, हम सबसे सारे महादेव हो ही जाएंगे तो इससे संसार को क्या अंतर आएगा, क्योंकि वो इसमें महादेव है क्या अंतर आएगा। अरे अंतर आएगा कि एक एक आदमी को उस शिव से जोड़ना होगा तब अंतर आएगा, एक एक को उस शिव गुरु की ओर मुखातिब कर दो, शिव से जुड़ना आसान नहीं है क्या नहीं, लेकिन गुरु से तो जुड़ना आसान है। गुरु बोल रहे थे कि घुस गया है, पेड़ से दूर जाइए, लगेगा कि आसमान ही उतर आया है पेड़ के पास। ठीक उसी तरह से आपके लिए हमारे शिव हो जाने से क्या अंतर आता है, एक महादेव तो है, आप जाने या ना जाने हरिनाथ इस बात को जानते हैं कि महादेव है, कोई अंतर तो नहीं आ रहा ना हम में ना आपके ना संसार में, सबको तो टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, चैन हरा धर्म में बांटा, इंसानियत को बांटते बांटते कहां ले आए हैं, कुछ नहीं उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। सारा पांच दिन का महादेव का चेहरा गुट बना था, हम ही गुट हैं, हम फलना भाई के साथ हैं, हम फलना भाई भाई के साथ हैं, क्या हो रहा है, क्या अंतर आ रहा है। जब तक कि महादेव गुरु से लोगों को हम लोग नहीं जोड़ पाए, इन कुरीतियों को इन तंग हाली को हम लोग नहीं मिटा सकते हैं, इन संकीर्णताओं को हम लोग नहीं मिटा सकते हैं, जितना भाषण देना है दे लीजिए, अब तक नहीं मिटा, मिटेगा कब, जब एक एक इंसान शिव गुरु से जुड़ेगा, जब हम लोग ये संकल्प लेंगे कि चलिए हे महादेव दया करिए, हम संसार के एक एक आदमी को आपसे जोड़ेंगे, उनमें शिष्यता का अंकुरण करेंगे, शिष्यता को जगाएंगे, जैसे जैसे शिष्यता जागेगी शिव से के सानिध्य में वो व्यक्ति जाएगा, गुरु उस पर क्रियाशील होंगे, ऑपरेटिव होंगे, इंसान सचमुच में शुरू होने लगेगा और तब एक सुंदर संसार नजर आएगा, एक सुंदर परिवार नजर आएगा, एक सुंदर व्यक्ति नजर इतना जोर से बोलने के बाद आपको सुनने की मानसिकता में है तो यही मैं बोलू, मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं जोर से बोलता हूं, मेरा माथा थोड़ा गर्म होगा, जानता हूं गर्म होने से काम नहीं चल, काम तो वही करना है जो गुरु ने आदेश दिए हैं, और वह काम जब भी होगा प्रेम से होगा, क्रोध से नहीं हो सकता। अगर आपको सुनने की मानसिकता में है तो मैं बोलूं, अन्यथा बंद करो। बोलिए, चलिए प्रश्न, शक्ति आराधना के विभिन्न स्वरूप, शिव शिष्यता में शक्ति की आराधना की भूमिका, दिन की चर्चा में फिर मैं करता हूं। मैंने कहा था आपको कि शिव की जो इच्छा है, शिव की जो शक्ति है जिससे ये जगत सृष्ट होता है, बनता है, उसी को शिव की शक्ति कहा गया है। शिव की शक्तियों के दो हिस्से करते समझने के लिए शुद्ध हिस्सा तो हो गए, एक कहा कि शिव ने इच्छा की और जगत सृष्ट हुआ। देवी चर्चा याद करिए, उस सूक्ष्म सत्ता ने एक से अनेक होने की
उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि जगत की उत्पत्ति शुरू हुई, स्थिति आई और विध्वंस का भी, संहार का भी, लय का भी सिलसिला शुरू हुआ। प्रश्न है शक्ति आराधना। शक्ति आराधना जब भी आप बोलेंगे इसका अर्थ हुआ शिव की वह शक्तियां जो सृष्टि को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाती। शक्ति आराधना में शक्ति शब्द का हमेशा एक ही अर्थ होगा, शिव की वह शक्ति, शिव की वह इच्छा जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का पल प्रतिपल क्रम चलता है। शक्ति की सीमा नहीं, इसके बाद नहीं। फिर शिव जब गुरु होंगे तब इन शक्तियों का कोई रोल नहीं होगा। यानी सृष्टि दाता जो परमात्मा है उसी की इच्छा शक्तियां, उसी से जगह से हुआ है, उसी से हम आप बन हमारे। लेकिन इस व्याख्यान में, इस शक्ति की आराधना में वह परमात्मा जो दया भाव रखता है, वह परमात्मा जिसके पास अनुग्रह शक्ति है, वह परमात्मा जिसके पास दया का खजाना है, उसका कोई रोल नहीं है। सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भाग बना हुआ है, एक तरफ अनुग्रह, दोनों का मिला नहीं सकते, भगवान हजार कर लिए दोनों ऐसा नहीं रह सकते। लेकिन एक ही सिक्का, उसको हड्डी की लेना तो कौन सी उनकी कीमत खत्म हो जाती। शक्ति आराधना का अर्थ हुआ शिव की वह इच्छा जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम चलता है। इसी पर अंग विज्ञान बना हुआ है, अंग विज्ञान बना हुआ है शिव की इच्छा से, शिव की शक्ति से इच्छा होने, शिव की इच्छा से पांच तत्व निर्मित हुए, पांच तत्व निर्मित हुए और शिव की ही इच्छा से वो पांचों तत्व तीन गुणों के सम्मिश्रण से जगत की उत्पत्ति करते हैं, या जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और संसार होता है। शक्ति जो है ना नौवीं के भीतर, और इसीलिए हम रात नौवीं बनाते हैं, नौ अंग देखिए, इसीलिए हम लोग नौ दुर्गा मानते हैं, देखिए नौ, इसीलिए हम लोग नवारण मंत्र का जप करते हैं, देखिए नौ। इसका अर्थ होता है कि इसी नौ के भीतर समस्त सृष्टि है, एक परमात्मा, पांच तत्व, तीन गुण यानी पांच तीन आठ है। मोरू जी को एक सवाल था कि ये ग्यारह रुद्राक्षिका शक्तियां क्या है, बच्चा है जरा उस पर नहीं गया, वो जा सकता था नहीं। नौ अंक तो शक्ति का भी उल्लेख हो गया, इसके पहले एक विषय था कि ये ग्यारह क्या है, ये आदर्श रुद्र क्या है, तो व्याख्या उससे थोड़े लोग की रुद्रों का पिता कहा जाता है। कहा गया कि एक परमात्मा और एक गुरु परमात्मा, दोनों को तो मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन है तो एक ही पूर्ण परमेश्वर ना, है तो एक ही पूर्ण महादेव ना, शिव ना, इसीलिए वहां खड़ा कर दिया गया एक परमा शिव जो सृष्टि करता है, एक शिव जो अनुग्रह करता है, जो गुरु है, जो दया करता है, यानी स्थूल को सूक्ष्म में वापस लाता है, जीव को शिव में शामिल करता है, जीव को शिव से एक एक करता है। एक क्या हुआ ये कहा कि एक एक दो नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि
जगत में दया भाव है, समस्त जगत में उसकी शक्ति काम कर रही है, सृष्टि की इच्छा उसकी काम कर रही है, शक्ति काम कर रही है। इसीलिए ठीक 10 बजे
इस कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने को हम लोगों ने सोचा है कि कुछ बातें हो जाए, कुछ गुरु ग्रंथ पर भी बातें हो जाए आपसे, और मेरी व्याख्या से भी भ्रमित मत होइएगा। इन देवताओं की आप पूजा करते हैं करें, गुरु से जुड़ेंगे तो ये देवता फलदायी हैं, इनके परिणाम हैं, ये इतिहास के पन्ने नहीं है। भारतवर्ष इतना मूर्ख देश है। आप अपना नाम दिखाते